प्राइम नंबर्स क्या है? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो दो नंबर्स को को प्राइम नंबर कहेंगे अगर उन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन ए सिवाय एक के, ठीक है। यानी ए सी एफ ऑफ को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू वन, ये भी कह सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ले लेते हैं थ्री और फोर, ये दो नंबर को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इसका इस दोनों के बीच का कोई भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, सिर्फ एक से ही डिवाइड होता है दोनों। यानी दोनों का एचसीएफ कितना है? वन है। थ्री से फोर में डिवाइड करेंगे तो वन थ्री, वन थ्री, थ्री थ्री, तो एचसीएफ इन दोनों का कितना है? एचसीएफ इक्वल टू वन। तो को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है? वन होता है। इंडिविजुअली यह कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हो, एक हो सकता है ऑड नंबर हो सकता है, एक इवन नंबर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि नाइन एक ऑड नंबर है और टेन जो है से इवन नंबर है, इन दोनों के भी एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ वन है। तो इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर्स हो गए। सिमिलरली और भी ले सकते हैं, जैसे फिफ्टीन है और एट, फिफ्टीन है एंड और ले सकते हैं आपका ट्वेंटी टू है, ये दोनों भी को प्राइम नंबर्स हैं। हालांकि इंडिविजुअली ना ही प्राइम है, इंडिविजुअली में से दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं है, एक ऑड है और एक इवन नंबर है। इन दोनों का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ इक्वल टू वन, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर्स हो गए। तो को प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होता है अदर देन ओनली वन, बिकॉज एक तो सभी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, और ये हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू वन।